दिल्ली नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष सरदार राजा इकबाल सिंह एवं दिल्ली भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने आज एक पत्रकार वार्ता में कहा कि 250 पार्षदों के दिल्ली नगर निगम सदन में वर्तमान में 249 पार्षद हैं। 118 पार्षदों के वोट मिले, जिसका सीधा मतलब है कि अब आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली नगर निगम में चुने हुए पार्षदों का बहुमत नहीं है। सरदार राजा इकबाल सिंह ने कहा कि 249 पार्षदों वाले सदन में आम आदमी पार्टी के पास 126 पार्षद होने की प्रशासनिक जानकारी थी। इसके अलावा दिल्ली के सभी 10 सांसद एवं नामांकित 14 विधायकों को भी मतदान का अधिकार था, जिसमें से 16 यानी 3 राज्यसभा सांसद, 13 विधायक आम आदमी पार्टी के थे। इस प्रकार सदन में मतदान शुरू होने से पहले आम आदमी पार्टी के 126 पार्षद, 16 अन्य यानी कुल 142 वोट आम आदमी पार्टी के महापौर प्रत्याशी को मिलना तय माना जा रहा, और अंतिम समय तक कांग्रेस पार्षद ने भी आपकी सदस्यता ले ली तो कुल 143 वोट हो गए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सदन में जब मतदान के बाद गिनती हुई तो आप प्रत्याशी को केवल 133 वोट मिले, जिसमें से 15 वोट सांसद विधायकों के थे। इस सब को ध्यान में रखते हुए सामान्यता साफ है कि आपके सांसदों एवं विधायकों ने तो पार्टी प्रत्याशी को वोट दिया, प्लस 126 प्लस 1 यानी कि 127 पार्षद में से केवल 118 पार्षद ने आपको वोट दिया। सरदार राजा इकबाल सिंह ने कहा कि दिल्ली नगर निगम के इतिहास में यह पहला मौका है कि एक ऐसा व्यक्ति महापौर चुना गया जिसे पार्षदों का बहुमत समर्थन प्राप्त नहीं है। ये पहली जीत है जो मेयर चुनाव हुए। बस यही अपनी इंटरप्रिटेशन का फर्क है। जब आपके लोग आपको वोट ही नहीं दे रहे, फ्लोर टेस्ट में आप हार गए तो जीत कैसे होगी? आपके मेंबर है 126 और एक कांग्रेस का आ गया, आपके मेंबर हो गए 127, आपको वोट पड़े 118। भारतीय जनता पार्टी के 114 निगम पार्षद और हमें वोट पड़े 122। 122 वोट ज्यादा है या 114 वोट ज्यादा है? तो ये अपनी हार को ना एक्सेप्ट करना, उसका कारण है कि कई बार इंसान से गलती हो जाती है। गलती को मानना और उसको ठीक कर लेना समझदारी है, बुद्धिमता है। ये नहीं कि अपनी गलती को फिर उसको ग्लोरीफाई करना और अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। सर देखो, मैंने बचपन में एक चीज देखी थी कि जब आप कोई एग्जाम देते हैं और अगर आप एग्जाम में फेलियर हो तो आप घर में जाकर कहते हैं जी ये पेपर था आउट ऑफ कोर्स आया, आउट ऑफ सिलेबस है। मुझे लगता है कि अपनी गलतियों से ये लोग सीखते नहीं। इनका एक ही शुरू से रहा है कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना। आपको राजनीति छोड़कर जनता के बीच में जाना चाहिए, झूठी बातें करने की बजाय जो आप कमिट करते हैं जनता के साथ, आप अपना 100% जब रिजल्ट देने की सोचेंगे तो ये बातें करना भूल जाएंगे।